सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम जो आंसर राइटिंग करेंगे, मैं आपको एक रियल जो हमारा यूपीसी का पेज आता है उस पर हम लिखने का प्रयास करेंगे, और इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि मैं किस प्रकार आंसर राइटिंग करता हूँ, किस प्रकार क्वेश्चन को समझ के आंसर को मैनेज करता हूँ। आज हम एक टाइम पीरियड के अंदर इसको देखने वाले हैं। जैसे इसमें हम कोशिश करेंगे, 150 वर्ड का ये क्वेश्चन है, तो वैसे एवरेज हम निकालें इसका तो 7-8 मिनट में आपका ये आंसर हो जाना चाहिए। तो आज हम कोशिश करते हैं कि इसको 8-9 मिनट में करें और अच्छे से इसको डील करने वाले हैं। मैं आप ये देखना कि मैं किस प्रकार आंसर लिख रहा हूँ, कैसे इंट्रोडक्शन लिख रहा हूँ, कैसे बॉडी पार्ट में एग्जाम्पल या कुछ डायग्राम फ्लो चार्ट बना रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोटिस करना। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ये मैं आंसर लिखता हूँ तो इसके बाद में मैं आपको ये आंसर समझा भी दूंगा कि क्या इस क्वेश्चन की डिमांड थी और कैसे इस क्वेश्चन को हमें डील करना चाहिए था। आप मेरे साथ एक काम कीजिए कि जैसे आपने ये क्वेश्चन अभी देखा है, ठीक है, तो आप अपना कागज़ और पेन लीजिए, ठीक है, आपने थोड़ा बहुत भी कुछ भी पढ़ रखा है एक बार इसके बारे में, तो आप मेरे साथ लिखो। जैसे मैं 7-8 मिनट यहाँ पे लिखूंगा तो आप भी मेरे साथ लिखो और फिर अपना आंसर मेरे आंसर से मैच करना। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको एक आंसर की जो एक आर्ट होती है, कला होती है, वो सीखने को मिलेगी। चाहे आपने खराब लिखा अच्छा लिखा उसका फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज़ का पड़ता है कि आपने कम से कम प्रयास तो किया। और एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप मेरी आंसर राइटिंग पर विश्वास कर सकते हो, क्योंकि जब मेरा 3 बार मेंस क्वालिफाई हुआ है और मेरे मेंस की एग्जाम में 821 मार्क्स आ चुके हैं। आप यदि टॉपर्स के मार्क्स देखते हो तो आपको पता होगा कि 821 मार्क्स टॉप 100 रैंक दिलाने के लिए भी मतलब पर्याप्त होते हैं, ठीक है। तो आपको वो व्यक्ति आंसर राइटिंग करा रहा है जिसके ऑलरेडी मेंस में 821 मार्क्स आ चुके हैं। तो इस चीज़ को आपके लिए मतलब विश्वास के लिए ये बात बोल रहा हूँ। तो हम अभी शुरू करते हैं, ठीक है, अभी मैं बीच में बोलूँगा नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करना है कि मैं आप इसको थोड़ा धैर्य बनाए रखना कि मैं 7-8 मिनट में ये आंसर लिखता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चाहूँ तो मैं बीच में लिखते लिखते भी आपको समझा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको वो तरीका नहीं सीख पाओगे कि कैसे हमें एक क्वेश्चन को मैनेज करना होता है एक टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है। तो मैं अभी अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, और साथ साथ आप लिखो मेरे साथ। मैं चाहता हूँ कि जब जब मैं आंसर राइटिंग कराऊँ तो मैं ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा, और आप बताना कि कौन सा तरीका ज़्यादा बेटर आपको लगा। मैं मॉडल आंसर लेके आता हूँ, वो तरीका आपको ज़्यादा बेटर लगा, या अभी जो तरीका सिखा रहा हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताना सभी, है ना, ताकि मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाऊंगा कि आपको कौन सा तरीका लाभ देता है, आप किस तरीके से आंसर राइटिंग सीख सकते हो, वो तरीका मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो मैं तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ थोड़ा सा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और आप ताकि मेरे साथ लिख पाओ, ठीक है। तो अभी हम टाइमर स्टार्ट नहीं करेंगे, जब हम लिखना शुरू करेंगे उस समय हम टाइमर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्चुअल में क्या है कि शहरी भूमि उपयोग क्या है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन लिखूंगा तो मेरा जो 30 सेकंड होता है, 30 सेकंड इस पे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे बैठ के तो हम थोड़ा सा ज़्यादा सोच सकते हैं, रफ्तारी भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना ही टाइम होगा कि 30 सेकंड आप क्वेश्चन को सोचोगे और थोड़ा सा आप ये कर सकते हो जैसा मैं करता हूँ। मैंने भी ये टॉपर्स से सीखा, या मेरी आंसर राइटिंग में अपने आप आ गया कि ऐसा हम लगातार जब आंसर राइटिंग करते हैं तो सीख जाते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शहरी भूमि उपयोग क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखना है कि शहरी भूमि उपयोग क्या है, तो इसके मैं क्या करता हूँ, गोला कर लूँगा। और वहाँ पे जब रियल एग्जाम होती है वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर तो ऐसे ही सेम आता है कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है और यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। एक फिर क्या होता है, जो हमारी आंसर बुकलेट होती है उसके पीछे पेपर होता है, उसको हम फाड़ के अलग रख लेते हैं और सामने वो रखते हैं। जैसे मैं उसमें कर लेता हूँ रफ्तारी, जो क्वेश्चन हमें फाड़ कर रखना होता है साथ में, ठीक है, उसमें गोले कर लेता हूँ ऐसे क्वेश्चन के सामने, या यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है। चाहो तो आप अंडरलाइन यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, आप ऐसा देखना कि मैं कैसे क्वेश्चन को तोड़ पा रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि शहरी भूमि उपयोग, तो ये आपको पता हो तो जीएस फर्स्ट के सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है, अर्बन लैंड यूज है ना, उसमें लिखा हुआ है, हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार, यहाँ पे थोड़ा हिंदी अनुवाद ये थोड़ा अटपटा सा है। भूमि उद्धार का मतलब होता है जल निकायों से भूमि निकालना, यानी कि मतलब इसमें क्या समझ रहे हो आप कि जो भी वाटर बॉडीज है ना उनको कंक्रीट से भर के हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी और मतलब शहरीकरण के लिए हमें ज़मीन चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ को नुकसान पहुँचा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इससे फिर इससे क्या होता है, पर्यावरणीय प्रभाव। तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड मुख्य रूप से डिमांड है कि शहरी भूमि उपयोग जो किया जा रहा है जल निकायों को नुकसान पहुंचा के, उसका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट है, आपको अलग अलग एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड होती है। तो ये बहुत मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास अच्छे एग्जाम्पल हो तो आपके आंसर की आपका प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और कोशिश करना है हमें कि कोई यार इनोवेशन जरूर करना है, कोई मैप डायग्राम ये मैं पहले से कर लेता हूँ, ठीक है, कि मुझे बनाना है। कई बार मैं क्या करता हूँ, जो जो पेपर होता है उस पर लिख लेता हूँ कि हाँ मुझे एक मैप जरूर बनाना है, यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मैप डालना है, फ्लो चार्ट डालना है, ताकि हम भूलें नहीं इन चीज़ों को, ठीक है। और वो कहाँ पर लिखना है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो मूल कॉपी होती है उसके पीछे एक पेपर आता है, आपने कभी मेंस लिखा हो तो आपको पता होगा
वो पेपर फाड़ के रख लेते हैं, उसमें हम थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं। तो अभी मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ, कोशिश करते हैं कितनी मिनट के बाद में करते हैं। मैं भी आंसर राइटिंग कई दिनों के बाद में कर रहा हूँ, लगातार फ्लो में नहीं हूँ, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, या जल्दी टाइम पर भी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और वर्ड की चिंता मत करना, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि कई लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका जो आंसर है 200 वर्ड का है, या 180 वर्ड का है, या 130 वर्ड का है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता यार, कौन काउंट करता है। मैंने तो किसी को नहीं देखा अपने दोस्तों के साथ में कि वर्ड कोई काउंट करता होगा। शुरुआत में जब आप नए हो तो आपके सामने दिक्कत आती है कि यार वर्ड में कितना लिखूँ, ये करूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ।
तो हमें लगभग इसमें लगा है 9 मिनट से ज़्यादा समय लगा है। कोई बात नहीं, मैंने पहले कहा कि अभी रिदम में नहीं है, कि अभी आंसर राइटिंग उतना नहीं हो रहा है, अभी तो और चीज़ें ज़्यादा चल रही है। लेकिन जब मेंस के एग्ज़ाम लेते हैं तो उस समय तो कितने हम मॉक टेस्ट लिखते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर लेते हैं। तो चलो आज हमें 9 मिनट लगा है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा आंसर कैसा है। अब ये देखो, आपके पास कितना भरमार कंटेंट हो, कितना ही कंटेंट क्यों ना हो, तो आज का आंसर मैंने पहले कोई तैयार नहीं किया था, जो मेरे माइंड में जो चीज़ें थी उन्हीं को यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। तो एक बार हम हमारे कंटेंट को देखते हैं, ठीक है, कि कैसा रहा है, कितने पॉइंट इसमें शामिल हुए हैं, क्या क्या इसकी हमने क्या डिमांड पूरी की है, उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि आपको कैसा लिखना चाहिए। अभी इसका मैं मॉडल आंसर बनाता तो बहुत शानदार तरीके से बना सकता था, आपको मतलब अच्छा कंटेंट मिल जाता, लेकिन अभी तो एक तरह से हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने मैंने ये लाइव तरीके से लिखने की कोशिश की है, तो बहुत सारे पॉइंट अभी याद ही नहीं है। कुछ पॉइंट मतलब और लिखने थे जो माइंड में थे कि हाँ इनको लिखा जाना चाहिए था, कंटेंट बहुत अच्छा हमारे पास है, और भी फ्लो चार्ट वगैरह आना चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, इतने से सफिशेंट है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही लिखा जाएगा। ये रियल एग्जाम में जैसा मैं लिखता हूँ वैसा आंसर आपके सामने। तो क्वेश्चन की डिमांड थी हमने पहले पकड़ ली थी क्या डिमांड है, शायद आप लोगों ने लिखा होगा, तो अपना आंसर मैच करना, ठीक है। और ऐसा प्रयास मैं खुद फील करता हूँ कि यार ये ऐसा एफर्ट है ना, आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाने वाला है। तो यार आप लोगों की जिम्मेदारी, आज आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, आप भी महसूस करो कि यार हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो आज अपने इस यूट्यूब चैनल को कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो भी ग्रुप हो उस ग्रुप में डालो, क्योंकि यार मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है मेरे लिए भी, है ना, जो हम प्रयास करते हैं, ठीक है, मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में बनाता हूँ, तो मेरे लिए मोटिवेशन क्या है, आप लोगों का प्यार। तो जितना आप अपने दिल से कर सकते हो बढ़ाओ इसको, और लाइक जरूर करो यार, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम देख लेते हैं एक बार, और एक चीज़ और है कि मैंने एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी बनाया है, मैं चाहता हूँ उसको सब्सक्राइब करो, आई बटन में ऊपर देखना, ठीक है, आई बटन में दिख रहा होगा, एक अपना दूसरा यूट्यूब चैनल है, वो इसलिए बनाया कि यूट्यूब में कई बार समस्या आती है एक चैनल को लेकर, तो मैंने बैकअप चैनल के रूप में बना रखा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करना, आपको बहुत फायदा होगा, और वहाँ पर मैं कुछ अच्छी वीडियो भी लेके आता हूँ। आराम से वीडियो को पॉज करो, पहले सब्सक्राइब करो, ठीक है, फिर आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि आज आज जो वीडियो देख रहे हैं, जैसे इसमें 5-10 हज़ार जो लोग देखेंगे, कम से कम 1000-1500 सब्सक्राइब तो मिले वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, इसमें इंट्रोडक्शन की बात करें कि इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए। तो पहले हमने कहा कि 2-3 लाइन या 4 लाइन तक इंट्रोडक्शन जा सकता है, ठीक है, वो उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो डिपेंड करता है आपका विचार कैसा है, ठीक है, तो ये होना चाहिए। मेरे पास इसमें एक और था कि मैं कोई है ना केस स्टडी या कोई इंडेक्स जो है या कोई रिपोर्ट है ना उसके साथ शुरू करता, या तो कोई विश्व बैंक या नीति आयोग की रिपोर्ट्स के साथ भी इसको शुरू कर सकता था, मेरे पास था, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड थोड़ी सी अलग थी आज की, थोड़ा मैं इसको बताऊं कि क्या है भूमि उपयोग, क्या है थोड़ा सा, है ना। तो बढ़ती शहरी जनसंख्या मतलब बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगरीकरण का विस्तार हो रहा है, ठीक है, थोड़ा अंडरलाइन भी करना, मैंने कुछ जगह अंडरलाइन नहीं किया, अभी मैं बताता हूँ अंडरलाइन होना जरूरी है। तो शहरी आधारभूत ढांचे के लिए जिस विस्तार हो रहा है, जिसके कारण शहरी आधारभूत ढांचे के लिए हमें अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है, आवश्यकता भी बढ़ गई, इस कारण क्या हो रहा है, जल निकायों पर इन पर संकट आ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड थी ना यहाँ पे, ये डिमांड थी, यही हमने क्या हेडिंग बनाई यहाँ पे, है ना, कि जल निकायों से भूमि के उदार के पर्यावरण प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि नगरीय जलवायु में परिवर्तन, ये बात सही है, कोई भी नगर होता है ना उसकी एक जलवायु होती है, ठीक है। जलवायु में एक्चुअल में क्या होता है कि वाटर बॉडीज जो होती है ना उसका बड़ा रोल होता है, वाटर बॉडी, यहाँ पे थोड़ा सा लिख सकता था कि जो वाटर बॉडीज होती है ना, जल शहरी जो जलवायु या तापमान को कम करती है, क्योंकि वो ठंडा रखती है ना, तो चाहे तो हम कोई एग्जांपल ऐसे लिख सकते थे कि उसमें कूलिंग सिस्टम का काम करती है, तो वो लिख सकते थे, लेकिन हमने वाटर बॉडीज हटा दी है तो क्या होगा, हीट आइलैंड बन जाएगा, ठीक है, ये प्रभाव हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या 150 वर्ड में हमें शॉर्ट में दर्शाना है, हमें पैराग्राफ नहीं लिखना, एग्जामिनर समझ जाएगा ये बात। जैसे मैंने यहाँ पे कंक्रीट का जंगल लिखा है ना, तो एग्जामिनर समझ गया क्या कहना चाहता हूँ, कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए जिसके कारण क्या हो रहा है, शहरी तापमान भी ज़्यादा हो रहा है, कंक्रीट के जंगल से शहरी तापमान ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके कारण शहरी जलवायु में अपने आप परिवर्तन आएगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पे कुछ चक्कर भी बना सकते थे, यदि हमारे पास टाइम होता तो हम चक्कर भी बना सकते थे कि इसके कारण ये होता है, उसके कारण ये होता है, ठीक है। हीट आइलैंड, ये अच्छे वर्ड है, ये आप कीवर्ड देखो ना, हीट आइलैंड, कंक्रीट के जंगल, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करोगे तो एग्जामिनर नंबर देगा आपको, ठीक है। इसके अलावा नदी बेसन पर कब्जा, हमने क्या किया, जैसे यमुना का एग्जाम्पल ले सकते हैं या गंगा का ले सकते हैं, कि आसपास जो भी हमने शहर बसाए हैं, मीठी नदी मुंबई का एग्जाम्पल ले सकते हैं, शहरों यहाँ पे हमने क्या किया, इन पर कब्जा कर लिया, इससे क्या हो, शहरी बाढ़, मुंबई अच्छा एग्जाम्पल, मुसी नदी, हैदराबाद, जैव विविधता को खतरा, इससे भी क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को खतरा हो रहा है, ठीक है। बहुत सारे आपको जो क्वेश्चन की डिमांड वो हमने पूरी की है। इसके अलावा हम चेन्नई शहरी बाढ़ की एग्जाम्पल दे, केस अध्ययन लिया हमने, केस स्टडी के रूप में लिखा यहाँ पे, कि क्या है, यहाँ पे हजारों वेटलैंड को हमने नुकसान पहुंचा दिया, इससे क्या हुआ, वहाँ पे सूखा भी आ रहा है, पेयजल संकट आ रहा है, आपने देखा होगा चेन्नई का पेयजल संकट या सूखा, और साथ में साथ वहाँ पे बाढ़ भी आ रही है। वेटलैंड का क्या, आपको पता है वेटलैंड क्या करती है, वेटलैंड का एक बड़ा रोल होता है,
जब आपके पास पानी की अतिरिक्त मतलब ज्यादा हो पानी, जैसे वर्षा हो रही हो, ज्यादा बाढ़ आ रही हो, तो वेटलैंड क्या करती है, अपने आप में पानी को संभाल लेती है। उसके पास एक सा पावर होता है जो भी इन्वायरमेंट का है, पारितंत्र का मामला होता है। लेकिन जब संकट आता है तो यही वेटलैंड आपको पानी की सप्लाई भी करता है। तो वेटलैंड यार मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, और साथ ही साथ हमने जैव विविधता को भी खतरा पहुंचा दिया, क्योंकि वेटलैंड झील आदि को नुकसान होगा तो उन पर जो वाटर बॉडीज पर जीव जंतु डिपेंड होंगे उनको भी खतरा होगा। और हमने क्या क्या ये देखा, हमने वहाँ पे चेन्नई में मानसून वर्षा इनका, उसके कारण जल ज़्यादा आएगा, फिर बाढ़ आएगी। तो ये लिखा हमने, शहरी वेटलैंड से नुकसान किसको हो रहा है, झीलों को नुकसान होने से, सबसे बड़ा पारितंत्र को नुकसान हो रहा है, खाद्य जाल संकट आ रहा है, जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं। तो कम से कम हमने 5 पॉइंट यहाँ पे शामिल किए हैं, और भी आ सकता है, जैसे यूट्रोफिकेशन या सुपोषण जिसको बोलते हैं, प्रदूषण के कारण होता है, उससे भी एक शरीर प्रभाव होता है। लेकिन हमने डिमांड क्या की, हमने कोशिश ये की है कि पर्यावरण पर कैसा नुकसान होने वाला है वो हमने कोशिश की है। थोड़ा सा हमारे पास थोड़ा सा स्पेस था, यहाँ पे मैंने सोचा कि यार थोड़ा समाधान लिखना जरूरी है ना, क्योंकि एक सिविल सेवक जो होता है उसकी एक अप्रोच होती है कि मैं, मेरे पास जो समस्या है उसका मैं समाधान कैसे करूँ, ये बहुत जरूरी होता है आपके लिए ना, तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वेटलैंड संरक्षण नियम इसमें लिखा है, इस पर्यावरण अधिनियम उसमें भी काफ़ी वेटलैंड की बात की गई, रामसर कन्वेंशन आप लिख सकते थे, एसडीजी लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीजी लक्ष्य 11 तो इसी से संबंधित है, शहरी पर्यावरण से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीजी लक्ष्य 14-15 भी इससे संबंधित है, मतलब इन्वायरमेंट, जैव सुरक्षा, जैव विविधता इनको लेकर। इसके अलावा एनजीटी में बड़ा रोल निभाती है। शॉर्ट में टाइम नहीं हो ना तो जीएस में इंग्लिश वर्ड लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एसडीजी लक्ष्य लिखा है, तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं था, सतत विकास लक्ष्य लिखे, इतना टाइम नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं। मैं रियल एग्जाम में ऐसा ही आंसर लिख के आता हूँ, ये आपके सामने लिखा है ना। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास टाइम था, मैप बना दिया कि कहाँ कहाँ ऐसी समस्या आ रही है, थोड़ा यहाँ पे लिख देते कि मतलब शहरी जो भूमि उपयोग के कारण जो पारितंत्र है, जैव विविधता, उसको नुकसान की कहाँ समस्या आ रही है, तो ये मैंने दिखा दिया। शहरी बाढ़ की समस्या श्रीनगर में भी आई है, गुड़गांव में है, मीठी नदी मुंबई में एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में समझ आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। स्पॉन्ज सिटी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, और इसमें कोची का एक मॉडल है कि उन्होंने किया ऐसा, स्पॉन्ज सिटी मतलब स्पॉन्ज वहाँ पे मतलब सड़कें फुटपाथ ऐसे बनेंगे कि जो वर्षा का जल आता है ना, या वहाँ पे वाटर बॉडीज को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे वो, तो ये एक अच्छा एग्जांपल है, स्पॉन्ज सिटी एग्जांपल, आप गूगल करना या यूट्यूब पे देखना इसको। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग, वनारोपण, ये चीज़ें हैं। लास्ट में एक अच्छा सा निष्कर्ष आप लिख सकते हो, टाइम बहुत जैसा आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव देखना है कि हम जानते हैं कि वेटलैंड को नुकसान पहुँचाने से अनेक संकट हमारे सामने है, लेकिन हम इसका दृष्टिकोण, एक व्यापक दृष्टिकोण में इसका हल निकालना होगा। चाहो तो आप और भी दृष्टिकोण उसके हिसाब से लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये आंसर बढ़िया आंसर है, बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। मॉडल आंसर लिखते हैं तो वो तो अलग चीज़ होती है कि कंटेंट नॉलेज की बात करते हैं, लेकिन जब रियल एग्जाम में लिखेंगे आंसर तो ऐसा लिखा जाएगा, ऐसा आंसर वन ऑफ द बेस्ट है, इसको भी मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें आपको 10 में से 6 नंबर आराम से मिलेंगे। और कोई भी आप में से ये वीडियो देख रहा है तो मतलब आप इस चीज़ को अच्छा महसूस करोगे कि यार बढ़िया है, मतलब एकदम सही है, ठीक है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, आपकी जिम्मेदारी क्या है, लाइक शेयर दबा के करो यार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, कि ऐसे ही फॉर्मेट में रखना है, आप पर डिपेंड करता है कि मैं वैसा वीडियो बनाऊंगा जैसे आपकी डिमांड होगी। कमेंट करके ये बताओ कि आज जो मॉडल आंसर बताया वैसा वीडियो बनाना है, या फिर मैं पहले से मॉडल आंसर तैयार करके लाऊं आपको कंटेंट दूं। मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेस्ट है आंसर राइटिंग करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको चीज़ चाहिए कि यार मुझे कंटेंट नॉलेज चाहिए, मैं आंसर लिख लूंगा, ऐसा नहीं होता है। नॉलेज तो सब जगह भरा पड़ा है, बहुत सारी कोचिंग, यूट्यूब की वीडियो देखना। अभी एक काम करना, आप यूट्यूब पर जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है ना जिन्होंने अपने मॉडल आंसर बताए, एक बार उनसे अपना आंसर मैच करके देखना, आपको अंतर स्पष्ट नजर आएगा कि एक बंदा जो 3 बार इंटरव्यू तक पहुंचा है उसकी आंसर राइटिंग कैसी है, या बड़ी बड़ी कोचिंग वाले जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि हमारे, हम ये वो फलाना रिकड़ा, या उनका आंसर बढ़िया है, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।